ट्रैक्टर एम्बुलेंस। एक समय शीतलपुर नाम का एक गांव होता था। उस गांव तक पहुंचने के लिए एक भी पक्का सड़क नहीं था, गड्ढों से भरा हुआ सड़क होता था। इसलिए उस गांव में बस और ऑटो नहीं आते थे। उस गांव के लोग बैलगाड़ियों में और ट्रैक्टर में सवार होकर पड़ोसी गांव जाते थे। एक बार उस इलाके का MLA योगानंद वोट मांगने के लिए उस गांव में आया। उस गांव का सरपंच सदाशिव, सर पिछली बार आपने चुनाव के प्रचार में वादा किया था कि आप हमारे गांव के लिए पक्की सड़क लगवाएंगे। 5 साल बीत गए सर, डांबर का रोड तो क्या मिट्टी का एक सड़क भी नहीं बन पाया है। उसे रोड कहने के लिए भी मन नहीं करता है सर, उस रोड के गड्ढे खाई की तरह बन गए हैं। यदि आप एक बार उस सड़क पर जाएंगे तो पता चलेगा, पर आप हर बार हेलीकॉप्टर में आते हैं सर, तो आपको हमारी तकलीफों का पता कैसे चलेगा। क्या अब तक रोड नहीं डाला? अरे कहीं गलती से मिस्टेक हो गया होगा। इस बार मुझे जिताओगे तो गांव के लिए 100 फीट रोड डलवाऊंगा और बीच में फूलों की क्यारियां होंगी, रेडियम स्टिकर भी लगवाऊंगा। मेरा विश्वास करें और अपना वोट मुझे ही दें। लोगों ने उसका विश्वास किया। फिर 5 साल बीत गए, वो सड़क और खराब हो गया। चुनाव का समय आया तो योगानंद फिर उस गांव के पास आया, फिर से भाषण शुरू किया। मेरे प्यारे शीतलपुरा वासियों, मैं जानता हूं कि आप पूछेंगे कि हमारे गांव के लिए सड़क क्यों नहीं बनवाया। उसका एक कारण है, मैं सोच रहा हूं कि आपके गांव के लिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट सैंक्शन करवाऊं और इसके लिए मैं असेंबली में बिल प्रवेश कर रहा हूं। इसीलिए इस बार मुझे जिताएंगे तो आप मजे से विमानों में और बुलेट ट्रेनों में घूम सकते हैं। लोगों ने उसे गुस्से से देखा। बाद में योगानंद गली में सबको प्रणाम करता हुआ जा रहा था, तभी एक लड़के ने केला खाकर छिलके को सड़क पर फेंका। योगानंद ने उस पर पैर रखा तो फिसल कर सीधा सरकते हुए जा गिरा। हाय, मेरी कमर टूट गई, कहकर चिल्लाया। सरपंच उसे उठाने के लिए बढ़ा। हाय रे, मेरी कमर टूट गई है, मैं उठ नहीं सकता, तुरंत डॉक्टर को बुलवाओ। डॉक्टर? क्या बात कर रहे हैं सर आप, उस रोड की मेहरबानी से हमारे गांव में डॉक्टर, लॉयर, आखिरकार कारपेंटर भी नहीं आते हैं सर। तो किसी तरह मुझे हेलीकॉप्टर में चढ़ा दो भाई, मैं शहर जाकर डॉक्टर को दिखाऊंगा। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट वहां आकर, सर कोई हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स ले गया है सर, उसे उड़ाना मुश्किल है। आए, अरे दर्द सहा नहीं जा रहा है भाई, अब मैं क्या करूं? आप चिंता ना करें सर, अभी एम्बुलेंस को बुलवाता हूँ। हाँ हाँ, ये ठीक होगा। हाँ भाई, तुम्हारा भला हो। तभी एक ट्रैक्टर वहां आई। ये क्या ट्रैक्टर क्यों बुलवाया? हमारे लिए तो ये ट्रैक्टर ही बस और एम्बुलेंस है सर, जल्दी चढ़िए सर, नहीं तो ये ट्रैक्टर भी चली जाएगी। यूं वे योगानंद को ट्रैक्टर के ट्रेलर में बिठाया। वो ट्रैक्टर उन गड्ढों से भरे हुए सड़क पर जाने लगी। वो एक गड्ढे में उतरी, योगानंद हवा में उछला, फिर ट्रेलर में गिरा। हाय, मेरी बाईं टांग टूट गई, कहकर चिल्लाया। ये तो छोटा गड्ढा है सर, आगे बड़े बड़े गड्ढे बहुत हैं। आप टाउन पहुंचने तक जरा सब्र करें सर, योगानंद परेशान हो गया। यूं जाते जाते ट्रैक्टर एक और गड्ढे में उतरा, योगानंद फिर हवा में उछलकर गिरा। आए, मेरी दाहिनी टांग टूट गई, कहकर चिल्लाया। इस बार ट्रैक्टर एक बड़े गड्ढे में उतरा, योगानंद उछलकर एक पेड़ की टहनी को जाकर पकड़ा। वो ट्रैक्टर आगे निकल गई। अरे रुको भाई रुको, मैं पेड़ पर लटका हूँ, ट्रैक्टर पीछे आया। आकर ड्राइवर, ये तो आम बात है सर, टहनी को छोड़कर नीचे कूदें सर, कुछ नहीं होगा। योगानंद ट्रेलर में कूदा। हाय रे, मेरे शरीर के सारे हड्डी टूट गए, कहकर चिल्लाया। हमारी हड्डी हर रोज ऐसे ही टूटते रहते हैं सर, पर ये तो बहुत कॉमन है, शहर जाने तक सब्र करें सर। शहर और कितनी दूर है? अब तक 2 घंटे का सफर किया है ना सर हमने, हम आधा किलोमीटर तय कर चुके हैं, अब और 29.5 किलोमीटर तय करना बाकी है सर बस। योगानंद का सिर चकरा गया। यूं योगानंद ट्रैक्टर में उछलते हुए गया। वे उस दिन शाम को अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने
योगानंद के सारे शरीर पर पट्टी बांधा। उसकी पत्नी से, सर के सारे बदन में फ्रैक्चर हो गया है, शक्ल भी चूर चूर हो गया है, प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ा, इसीलिए उनका चेहरा भी बदल गया है। योगानंद परेशान हो गया। वैसे बिल कितना हुआ है डॉक्टर साहब? 20 लाख हो गया है मैडम। वो योगानंद से, देखा, 2 लाख देकर उस गांव के सड़क बनवा देते तो आज 20 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप पर। ऊपर से अब आपका चेहरा भी बदल चुका है, आप वोट मांगने जाओगे तो लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं, अब आपका पॉलिटिकल करियर तो समझो खत्म ही हो गया। योगानंद बेहोश हो गया। शीतलपुरा गांव वालों ने दूसरे एमएलए को जिताया तो तुरंत उस गांव के लिए सड़क बना और वे सब खुश हो गए। गरीब वर्सेस अमीर की बीमारी। एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, उसका नाम था सत्येंद्र। उसका इकलौता बेटा था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ विदेश से लौटकर अपने पिताजी का व्यापार में हाथ बटाने लगा। सत्येंद्र के घर में कई सालों से देवेंद्र नाम का व्यक्ति काम करता था। वो सत्येंद्र के निजी जरूरतों का ख्याल रखता था। देवीलाल का परिवार सत्येंद्र के घर के सामने ही एक झोपड़ी में रहता था। जब भी मौका मिलता देवीलाल सत्येंद्र से, साहब आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि सिद्धार्थ बाबा आपके बेटे बनकर पैदा हुए हैं। सिद्धार्थ बाबा को देखकर बहुत गर्व महसूस होता है सर। वो विदेश में MBA जैसे ऊंची पढ़ाई करके आए हैं और आपके बिजनेस में मदद कर रहे हैं। और मेरा एक बेटा है संजय, निकम्मा नाकारा, ना पढ़ाई है ना ही कोई काम। उसे जबरदस्ती कहीं पर नौकरी पर रखा तो 2 महीने से ज्यादा वहाँ नहीं टिकता। ये पता नहीं वो कैसे जिएगा, कल क्या हाल होगा उसका, कुछ समझ में नहीं आता। हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट होता है, तुम चिंता ना करो, जब वक्त आएगा तो उसकी कीमत तुम्हें पता चलेगा देवेंद्र। एक दिन अचानक सत्येंद्र अपने घर में गश खाकर गिर गया। देवीलाल ने तुरंत दफ्तर में बैठे सिद्धार्थ को फोन किया। सिद्धार्थ ने तुरंत अस्पताल को फोन किया। आप तुरंत मेरे घर एक एम्बुलेंस भेजें, पैसे चाहे कितना भी खर्च हो, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए, पर मैं इस वक्त नहीं आ सकता, मेरा एक अर्जेंट मीटिंग है। अस्पताल से एक एम्बुलेंस फौरन गया और सत्येंद्र के घर पहुंचा। 2 डॉक्टर और 2 नर्स ने सत्येंद्र को व्हीलचेयर में बिठाया और उसे एम्बुलेंस तक ले गए। एम्बुलेंस में बिठाकर तुरंत अस्पताल ले गए। 10 दिनों बाद एम्बुलेंस फिर से घर लौटा। सत्येंद्र के साथ 2 नर्स भी आए। वे दोनों नर्स 24 घंटे सत्येंद्र के पास रहते थे और उनका खाना दवाई वगैरह का ख्याल रखते थे। एक दिन देवीलाल सिद्धार्थ के पास गया और, बेटे आपको आपके पिताजी बुला रहे हैं। तब सिद्धार्थ फोन पर बात करते हुए, ठीक है तुम जाओ, ऐसा कहा और मोबाइल को देखते हुए सत्येंद्र के कमरे में गया। क्यों डैड, आपने बुलाया था, बिजनेस के बारे में कुछ बात करना है क्या? नहीं बेटे, मैं 10 दिन अस्पताल में था और कल ही लौटा हूँ, पर तुम एक दिन भी मुझसे मिलने अस्पताल नहीं आए। अब घर लौटने के बाद भी एक बार भी तुमने आकर ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। कम ऑन डैड, पूरे अस्पताल का प्रबंध मैंने ही तो किया था आपके लिए। मैंने डॉक्टर और नर्स से कहा था कि आपका ख्याल रखें, मैं आकर क्या करता, घर पर भी आपके लिए 2 नर्स का इंतजाम किया है मैंने और देवीलाल भी है। अब अगर मैं नहीं मिला आपसे तो क्या आपकी बीमारी कम नहीं होगी? कल मेरा इन्वेस्टर से मीटिंग है, मुझे प्रिपेयर होना है, बाय डैड, कहकर वहां से चला गया। ये सब सुनकर देवीलाल चौंक गया। 2 महीने बाद सत्येंद्र पूरी तरह से ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद देवीलाल अपने झोपड़ी में था कि उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया, उसके पैर की हड्डी टूट गई। देवीलाल की पत्नी राधा ने तुरंत संजय को फोन किया। संजय दूसरे गांव जाने के लिए तभी बस चढ़ा था। माँ के फोन आते ही वो तुरंत बस से उतरा और जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़ा। संजय ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। काफी देर होने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। लगता है कि ये एम्बुलेंस अभी जल्दी नहीं आएगा। चलो पिताजी को अस्पताल ले चलते हैं, तुम कुछ कपड़े बांध लो। कैसे ले जाएंगे बेटे? संजय ने देवीलाल को अपने कंधों पर उठाया जैसे छोटे बच्चों को उठाते हैं और राधा एक बैग में कुछ कपड़े लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगी। दोनों मिलकर उसे सरकारी अस्पताल ले गए जो कि 2 किलोमीटर दूरी पर था।
वहाँ वो आधा घंटा लाइन में खड़े होकर फॉर्म भरा, तब अस्पताल में उनका दाखिला हुआ। दो घंटे बाद डॉक्टर आया और पैर की हड्डी टूट गई है, फौरन ऑपरेशन करना होगा, खून का इंतजाम करें, कहकर चला गया। संजय ने देवीलाल को अपना खून दिया। अगले दिन देवीलाल का सर्जरी हुआ। 3 दिनों बाद देवीलाल को डिस्चार्ज करते हुए, इन्हें 2 महीने की बेड रेस्ट की जरूरत है, इनका ध्यान रखिएगा। तब संजय और राधा ऑटो में देवीलाल को घर ले आए। ऑटो से उतरते ही संजय ने देवीलाल को उठाया और घर के अंदर ले गया। सत्येंद्र ये सब देख रहा था। 2 महीने तक संजय अपने पिताजी के पास ही था और उनकी सेवा कर रहा था, सही वक्त पर खाना खिलाना, दवाई देना वगैरह देख रहा था। संजय की सेवा के कारण देवीलाल बहुत जल्दी ठीक हो गया और चलने लगा। पूरी तरह ठीक होने के बाद देवीलाल सत्येंद्र के घर गया। क्यों देवीलाल, तुम हमेशा शिकायत करते रहते थे कि संजय कोई काम नहीं करता, कुछ काम का नहीं है, जो कुछ हुआ मैंने सब जान लिया है, मैंने देखा कि संजय किस तरह तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम हमेशा सिद्धार्थ को देखकर बड़े खुश होते थे, विदेशों में पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करके बिजनेस चलाने से बेटे बड़े नहीं बन जाते देवीलाल, होनहार बच्चे तो वो हैं जो अपने माँ बाप का ख्याल रखें और उनकी देखभाल करें, वो तुम्हारा बेटा संजय ने सिद्ध कर दिया है, तुम अपने बेटे से कहो कि एक बार आकर मुझसे कल मिले। अगले दिन देवीलाल और संजय सत्येंद्र के पास गए। सत्येंद्र संजय से, क्यों संजय, तुम्हारे पिताजी तो कहते हैं कि तुम किसी भी काम पर 2 महीने से ज्यादा नहीं टिकते, क्या समस्या है? सर मुझे ये पढ़ाई नौकरी में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है, मैं अपना एक फूड ट्रक चलाना चाहता हूँ सर, उसके लिए लोन का इंतजाम कर रहा हूँ। तुम्हें बैंक लोन के लिए प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे फूड ट्रक के लिए कितने पैसे चाहिए बताओ, मैं देता हूँ। देवीलाल बहुत खुश हुआ। संजय ने सत्येंद्र के दिए हुए पैसों के साथ एक फूड ट्रक का बिजनेस शुरू किया, वो काफी सक्सेसफुल हो गया। बहुत जल्द संजय ने एक बहुत बढ़िया घर बनाया, वो अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखने लगा। उसी तरह जब भी सत्येंद्र को कोई जरूरत होती तो संजय जाकर उनकी मदद करता।